Assalamualaikum everybody, welcome to Men's Den episode 3. मेरा नाम है अकबर चौधरी. अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, और कॉमेडी का एक बड़ा गोल्डन रूल है कि कॉमेडी वर्क्स बेस्ट इन थ्रीज. तो आज जो है थर्ड एपिसोड है, और आज का गेस्ट भी जो है वो बेस्ट ऑफ द थर्ड है. और ये जो है, सिंस मेरा अगेन एक्सपीरियंस है, ये पाकिस्तान के करंटली बेस्ट कमेडियन है. और ये मेरा सिर्फ दोस्ती की वजह से ओपिनियन नहीं है, ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन भी है. तो अपनी आपकी भरपूर तालियों पे, जो आप घर पे बजा सकते हैं, मैं दावत देना चाहूँगा ताबिश हाशमी को. ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए. थैंक यू भाई. मैं बड़ा प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. कल आपने मुझे TVH में बुलाया, आज मैंने आपको यहाँ बुला लिया. वट्टा सट्टा बिल्कुल. ये बिल्कुल ऐसा है कि वो नहीं, पड़ोसी से शक्कर नहीं आती है, आप फौरन साफ करके कस्टर्ड भेज दे. ये कुछ एक सीन है, वो कस्टर्ड भी कहीं और से आया हुआ था. कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो रोलिंग पे चलती है, रोलिंग पे. ये लेकिन है, स्वीट देना होता है जरूरी. नहीं, खाली बर्तन वापस करना को उल्मा के नजदीक बुरा समझा जाता है. लेकिन कुछ भी हो सकता है, स्वीट जरूरी नहीं. आप उसके अंदर एक और बर्तन डाल के देते हैं. ठीक है, अभी आप फारिग हुए हैं सीजन 3 ऑफ TBH से. अभी रात में फारिग हुआ था. बिल्कुल, रात में आप फारिग हुए हैं. कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम इन दिस स्पेल इंस्टेड ऑफ होस्ट गेस्ट कैपेसिटी में बैठने का? यार, मैं असल में वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, किताबिश को बुलाएं इंटरव्यू में, मैं एज अ गेस्ट जो हूँ संजीदा तरीन आदमी हूँ. लेकिन वो होस्ट पे, अकबर होस्ट हैं तो मुश्किल ही है संजीदा रहना. लेकिन अच्छा लग रहा है यार, सुकून है ना. सुकून में, बिल्कुल. मैं आपको, प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर. बिल्कुल, मैं आपको लेके चलूंगा, आप बेफिक्र रहें, आप सुकून में रहें, आप इंजॉय करें. ठीक है जी, ताबिश भाई, फॉर्मेलिटी पहले निपटा देते हैं, ठीक है? असली मैटर पे बाद में आएंगे. ब्रांड चाहता है कि पता चले ताबिश हाशमी है कौन. ठीक है, ये चाहता है ब्रांड. ठीक है, पर्सनल हो जाए, अंदर की बात दे दूं आपको. ताबिश भाई एक्सपोज के नाम MMS की क्लिप निकले हैं, .3GB वाला जो टाइम याद है आपको. ठीक है, तो ब्रांड को पहले सेटिस्फाई करते हैं. क्या था वो, 3GB? हाँ, 3GB तो था ना. उसमें इतने पिक्सल फटे हुए होते थे कि अगर कोई बता के दे के यार गंदी वीडियो है, तो आदमी नियत के ऊपर ही बिल्कुल देखता था. ज्यादा इमेजिनेशन था. हाँ, वो आपका कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस उस टाइम से चल रहा है. ब्रांड को सेटिस्फाई करते हैं पहले. करो. फुल नेम? ताबिश अहमद हाशमी. एज? 36. वेस्ट? 34. कौन सा फोन रखते हैं? सैमसंग. मिसेज? अपनी. एजुकेशन? इंजीनियरिंग एंड MBA. हाइट? 6'1.75". जूते का साइज? 9.5. बेहतरीन, हो गया भाई. ठीक है, अब कर ले. अभी क्या, इसके कुछ गिफ्ट मिलेंगे मुझे? यही है तो चले. अच्छा जी, मैं आपकी थोड़ी ताबिश भाई पर्सनल लाइफ मुझे तो पता है अच्छा खासा, लेकिन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टू ग्रेटर डेप्थ, लेकिन थ्रू द लेंस ऑफ अ परफॉर्मर. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि प्राइमरली आप आइडेंटिफाई एज अ स्टैंड अप कमेडियन करते हैं, लाइक, या एज अ टॉक शो होस्ट, या फिर ओवरऑल एज एन एंटरटेनर? एंटरटेनर. आई डू नॉट वांट टू लिमिट माय सेल्फ टू स्टैंड अप कॉमेडी ओनली. देखो, स्टैंड अप कॉमेडी से आगाज किया, आई एम एट माय बेस्ट ऑन स्टेज, तो वो तो एक मेरी है आइडेंटिटी. मगर उसके बाद होस्टिंग एक्सप्लोर की, तो कहा यार ये भी कर सकता हूँ. अब कल के अलावा कोई एक्टिंग का काम मिल जाए तो मैं अभी से अपने आप को किसी कैटेगरी में डाल के क्यों लिमिट कर लिमिट नहीं. बिल्कुल, एंटरटेनमेंट, यू आर ओपन टू एवरीथिंग. और मैं रियल लाइफ में भी, मतलब विद फ्रेंड्स एंड ऑल, आई एम एन एंटरटेनर. आई कैन अटेस्ट टू दैट. ताबिश भाई के साथ जब भी बैठना होता है तो इट्स लाइक गोइंग टू अ स्टैंड अप कॉम्पिटिशन. कोई बेहतर इसका वो नहीं है. ठीक है जी, तो एक्टिंग भी आप कर लेते हैं, बिकॉज आपके बिट्स जो आप सुनाते हैं हमें, उसमें आप करते हैं, परफॉर्म आप पूरा करते हैं. ठीक है, अच्छा, आपकी जर्नी एज अ स्टैंड अप कमेडियन मैं थोड़ी डिस्कस करना चाहूँगा. हमने कल भी बात की थी कि फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई सॉ स्टैंड अप कॉमेडी लाइव वॉज 2008-2009, ये वाला टाइम था. ठीक है, आप थे आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे, आप बड़े मज़े की बातें कर रहे थे. क्या इस टाइम पे आपको अंदाज़ा था कि आप वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन पाकिस्तान हैं डूइंग व्हाट यू डू, और क्या ये भी अंदाज़ा था कि आप कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी तो एग्जिस्ट नहीं करती थी 2008-09 में. मैं, मेरा स्टार्ट जर्नी का आगाज तो पब्लिक स्पीकिंग से हुआ पर है. मैं ह्यूमरस स्पीचेस करता था और मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, मतलब एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, और ऑल बॉयज़ के पढ़े हुए थे, तो वहाँ पर हम एक दूसरे को जुमले मारते थे, मगर पब्लिक को फेस करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और बोलने में भी थोड़ा हल्का था मैं. ठीक है,
तो बाय द टाइम आई गॉट इन टू माई इंजीनियरिंग, वहाँ पर मैंने एक दिन पोस्टर देखा कि यार गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज था DCW, ठीक है, डिफेंस फेज 8 में, वो बहुत एक ज़माने का एक वो हब था लड़कों के लिए, और बहुत बड़े बड़े नाम मैंने वहाँ बाहर देखे, बाहर देखा तो मैंने गाड़ियों में बाहर बैठे इंतजार करते देखा वहाँ पर, मैंने देखा है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो वहाँ पर जाना था स्पीच करने एक बार, और था इंग्लिश ह्यूमरस करनी थी, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एवर पब्लिक स्पीकिंग एट द एज ऑफ आई वॉज 19। अच्छा उससे पहले भी मैं अपने स्कूल में ये मिलाद पे ये वो परफॉर्मेंस मैं देता रहा हूँ, स्टेज पे जाता था मैं, क्योंकि वो मेरी जो बोलने की वो थी ना कमी, वो पता नहीं स्टेज पे जाके सही हो जाती थी यार, तो मैं वो मजे लेने, वो समझ बोलने का नशा था मेरा, तो वो मैं लेने जो ना कमलेश वहाँ जाता था, क्या नाम, क्या नाम था उसका, कमलेश नाम था, केमिकल, तो केमिकल करने आपका भाई स्टेज पे जा रहा था। अच्छा जब ये आया ना, तो एक तो ऑल बॉयज की हिस्ट्री थी, लड़कियों के सामने तो बात होती ही नहीं थी मुझसे, बहुत नर्वस है, तो ऑल इंग्लिश में ह्यूमरस स्पीच करनी थी, और ऑडियंस फुल लेडीज सफेद कपड़ों में हो रही लग रही भाई, मैं तो मैं बताऊंगा आपको। तो वो वहाँ पहुँचा मैं, एक तो मैंने स्पीच लिखी, अब जब आप स्पीच लिखते हैं ना तो ह्यूमरस स्पीच, तो अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था क्या होती है, तो अब मैं अपने ताया के पास गया, ही वॉज अ ह्यूमरस पोइट, अमीरुल इस्लाम हाशमी, उन्होंने इंग्लिश में मास्टर मतलब PhD बताया, कुछ लिटरेचर में किया हुआ है, लेकिन शायर उर्दू के थे बहुत बड़े ह्यूमरस। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई मदद करें, तो ज़ाहिर ही बात आया वो उस वक्त 70-75 साल के थे, उन्होंने जिस तरह की मदद करनी थी उसी तरह की, वो फलसफा ही लग रहा था पढ़ के, तो यार स्पीच नहीं लग रही थी। फिर मैं 2-3 और जो अपने ख़ानदान में बड़े बुजुर्ग थे, मैं समझा शायद वो फ़नी थे मुझे लगता था, तो उनके पास गए, उन्होंने भी मतलब जो अपने अंदाज में बता सकते थे, बट इट वॉज़न्ट साउंडिंग फ़नी। तो मुझे ये था कि यार ये जाके पढ़ूंगा, मुझे ये ज़रूर था कि मैं जाऊँ ना तो एक ये ना हो कि मैं अननोटिस ना चला जाऊँ। अच्छा फिर मैं घर आया, अगले दिन था, अच्छा यूनिवर्सिटी में क्योंकि मिल ही नहीं रहा था ये, तो उन्होंने कहा जो लाए हो यही है बेटा, यही ठीक है, सेलेक्ट हो गए आप। अच्छा, क्योंकि जो उर्दू का जो स्पीकर था ना वो था हमारा मेन स्पीकर, ओके, वो यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्पीकर था, तो उन्होंने कहा यार उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ये ना ये वाला पार्ट ये इंग्लिश ह्यूमरस में आ गया, तो टीम जाती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप ग्रेवी में गए? मैं ग्रेवी में था कि यार आप तो बस इसलिए चले जाओगे उसको तो इनाम मिल जाए, तो जो लिखा है छोड़ो देख भी नहीं रहा कोई, और गाली तो नहीं, मैंने कहीं गाली नहीं, ठीक जाओ बस। मैं रात में घर आया, मेरी बहनों के साथ मैंने बैठा, मैंने उनको कहा यार ये क्या, नहीं कचरा है बिल्कुल, आओ खुद लिखते हैं। अच्छा, तो मैंने ना फिर उर्दू में सोची, उर्दू में वो थी मैरिज, ऐसा था कि मैरिज इज अ स्टोरी इन विच हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर, इसी तरह के होते ना सक्सेस किस्म के होते, तो इसी उस जमाने में इसी तरह के टॉपिक्स होते हैं, 2003-04 की बात कर रहा हूँ, वो नाजिल नहीं हुआ था, वो पैदा ही नहीं हुए थे, अर्थात वो लोग जिंदा थे जो अब वोक हैं, वो भी वोक नहीं थे उस वक्त, हम सब एक ही थे, हम सब एक ही, ठीक, कॉम में बहुत यूनिटी थी। तो वहाँ पर आए, अब मैं स्पीच लिखी मैंने घर में आके, और फिर मैंने जाके जो है वो वहाँ पे अगले दिन लड़कियों के कॉलेज में मैंने, अच्छा मेरी एंट्री ये थी, हम स्टेज पे बैठे हुए थे और कम से कम 400 लड़कियां बैठी हुई थी यूं करके ना, सफ़ेद कपड़े पहने में, ठीक है। अच्छा मैं अपनी तरफ से, मेरे बाल बाल थोड़े बड़े थे और गोरा चिट्टा बगैर दाढ़ी वाला क्यूट सा पप्पू बच्चा, तो मैं भी यूं ज़रा क्यूट बना लुक्स दे रहा था, तो मेरी बारी आई, तो अब लड़कियों ने थोड़ा सा मुझे शो पंप अप करके आवाज़ नहीं, मैं वैसे ही मेरा चौड़ा हो गया, और मैंने जाके मैंने शेर की आवाज़ निकाली और कहा आई एम मैरिड लाइन, उर्दू वाले उनको नहीं मिला, कॉन्सोलेशन मिला शायद। अच्छा, बट उसके बाद में वापस आया ना तो यूनिवर्सिटी, तो बस अब इंग्लिश ह्यूमरस में फर्स्ट प्राइज ले गया कोई बंदा, फिर वहां से थोड़ा अनहर्ड ऑफ था, एक तो ह्यूमर से मिलते ही नहीं था, उसको सीरियस लिया ही नहीं जाता था, बट इट टर्न आउट कि यार मैंने फिर उर्दू में ह्यूमरस की, और उर्दू में मैं 35 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जीता, मैं हारा ही नहीं, फर्स्ट ही आते रहे, और टोटल 78 की टैली है इसमें, इंग्लिश सीरियस मैंने बहुत की है। nice. तो क्योंकि मैं और ह्यूमरस जीतते नहीं थे, लाहौर वाहौर में ह्यूमरस इसलिए रखे जाते थे कि यार एंटरटेनमेंट रहे, वरना बहुत ड्राई हो जाता था, मगर वो जीते नहीं थे, जीते इसलिए भी नहीं थे, बहुत एजी हो जाती थी और वो रूल के खिलाफ होती थी, तो उनको प्राइज मिलता नहीं, बट आफ्टर दैट यार वो लाहौर में मुझे ही मिलते थे प्राइजेस, और वो सीरियस वाले अक्सर एतराज़ भी करते थे, आजकल बहुत बड़े एंकर्स हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, हाँ हाँ, वो साथ बैठ के रोते थे, ये क्यों उसको क्यों दे दिया। तो जजेस उनको एक बार मैंने सुना, कह रहे थे यार तुम्हारी सीरियस से ज़्यादा वजन था इसमें, तो वो एक चल पड़ा करियर। उसके बाद IBM में गए MBA करने के लिए, तो ये पब्लिक स्पीकिंग तो ख़त्म कर दी थी,
तो वहाँ पे ये था कि क्योंकि हर किसी की बजाते थे थोड़ी खड़े खड़े, तो कहता था एक स्टैंड अप हो जाए, एक स्टैंड अप हो जाए। तो एक दो स्टैंड अप किए, वो इतने हिट हो गए कि वहाँ का मैं एक रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। वो हर इवेंट में मुझे ज़रूर कहते थे कि आप करें, बट द गुड थिंग वॉज कि वो उस वक्त भी पे करते थे। हाँ अच्छा, और मैंने कुछ शोज ऐसे उस वक्त किए अकबर जो आज भी लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे, उस वक्त दे रहे थे लोग, कर ही नहीं रहा था कोई, उन्होंने कहा यार ये बड़ा फनी इसको करा दो, तो वो किया। रॉयल उडेल में बड़े शोज किए मैंने 2007-5 में, मैंने रॉयल भाई लोग का भी कोई भाई लोग से पहले भी किया। अच्छा अच्छा, वो ज़माने में रॉयल उडेल में मैंने बड़े रोलिंग किए पैसों की। अच्छा, इंडिया की एक फिल्म आई थी कभी अलविदा ना कहना, ठीक है, तो हमने रॉयल उडेल में उसकी स्क्रीनिंग कराई, डीवीडी पे लगाई, हमने डीवीडी पे लगाई, 400 के टिकट बेचे, 2006 में 1.5 लाख रुपये कमाए हमने एक दिन में, और ये हरकतें मैं कर रहा था। तो 2008 में फिर हम तुम्हारी मुलाकात आर्ट्स काउंसिल में, शायद प्रॉब्ली वाज 2009-10, उस समय बहुत फुल फ्लैश कर रहा था, ये मज़े परफॉर्म कर रहा था जगह जगह। देन फिर मेरे फादर को ना कैंसर डायग्नोस हो गया 2011 में, तो हम सभी सीरियस हो गए, पूरी फैमिली, हम फिर सभी इसी में फोकस करने लगे। अब्बा के फिर अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर शादी, उसी के 20 दिन बाद शादी हो गई, फिर उसमें लग गया, फिर नहीं कर पाया मैं फॉर गुड 4-5 ईयर्स, 3-4 ईयर्स एटलीस्ट। देन 2015 में फिर फहीम आज़म के साथ और ये थॉट स्पॉट पे एक शो, थॉट स्पॉट कह रहा हूँ, मैड स्कूल भी नहीं, ये डॉट जीरो है, एक तारीख वहाँ एक बहुत पुश, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊँगा, आई एम नॉट फनी एनी मोर, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, अच्छा, ये भी टाइम था, मुझे लगता था आई एम नॉट फनी एनी मोर, ऐसा ना हो मैं अब जाऊँ, मुझे बहुत दुख हो जाता, मैं डिप्रेशन में चला जाता कि अगर मैं जाता और बॉम्ब हो जाता, तो आई डोंट नो, और आई वॉज एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, जबकि IBA मैंने बहुत सारे प्लेस इम्प्रूव किए हैं, पूरे प्लेस, और 5-5, 6-6 करेक्टर्स करके, एक कॉन्फिडेंस वो था, फिर एक ये था कि तारे रोड में 25 लोग बैठे, नहीं समझ रहा था कि यार नहीं कर पाऊँगा, बट एज सून एज आई वेंट टू द स्टेज आई वॉज बैक, बस क्राउड बैठे, अच्छा चलो शुरू करते, तो बस शुरू किया। उसके बाद से फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि उसमें तो पैसे नहीं मिले भाई, ज़माना ही चेंज हो चुका था, अब लोग पैसे देने, मॉडल चेंज हो गया था, फिर यार वो होते रहे, कभी कभी ऐसा होता था ऑडियंस में बैठे थे, ताविश भाई अब आए हुए हो तो कुछ कर ही दो, तो कर दिया, फिर वो होते होते अब यहाँ तक बात पहुँच गई। सही, ठीक है, वेरी नाइस। थोड़ा और पीछे जाते हैं, चलो आपने अभी पब्लिक स्पीकिंग का जिक्र किया, ये भी कहा कि बहुत डिफरेंट जगहों पर जाके आपने परफॉर्म किया, हम अग्री करते हैं कि एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए देयर इज ओनली वन वे टू गेट बेटर, और वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म करो मुख्तलिफ ऑडियंसेस के सामने, लेकिन एज सच करंटली वो एवेन्यूज एग्जिस्ट नहीं करते। क्या आपके ख्याल से आपका ये जो पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस रहा है, आपने हर प्रोविंस में तकरीबन हर शहर में जाके अलग अलग लोगों के सामने अलग चीज़ें परफॉर्म की हैं, परफॉर्म भी ये परफॉर्मेंस है, तो डू यू थिंक दैट गिव्स यू अ कंसिडरेबल एडवांटेज ओवर एवरीबडी एल्स? यस डस भाई, खुजदार में भी किया है, बुलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में, कोयटा में, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और पेशावर में, लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में जीता हूँ मैं, कोई नहीं ऐसी इसमें नहीं जीता हूँ, दो बार जीता हूँ कश्मीर को, और कराची ऑफकोर्स, कौन सा प्रोविंस आ गया, किसी कोई हर प्रोविंस में किया, हर जगह किया। अच्छा, क्राउड होता है ना पब्लिक स्पीकिंग में, वो ज़बरदस्ती बिठाया हुआ होता है, नहीं बैठोगे नंबर काट देंगे, बिल्कुल उनको हंसाना जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल शिट होती है, अगर आप उनको हंसा रहे बिल्कुल तो फिर आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने PMA, PNA, PAF अकेडमी रिसालपुर, ये तीनों जीते हैं। अच्छा, ये प्रेस्टीजियस वाले हैं ना? हाँ, सबसे बड़ा होता है PAF रिसालपुर, उसमें वो जहाज में भी उठा के लेके जाते हैं फ्लाइंग कराने, बहुत बड़ा होता है, 180 पीपल पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन, में फर्स्ट आया दो बार। Nice. तो उसमें होता है ये, अच्छा अब वो क्राउड कैसे है, फौजी बैठे ऊपर, ठीक है, सही, सब कैडेट्स हैं, और वो हूटिंग करते हैं, वो साइलेंट हूटिंग करते हैं, और इतनी सिंक्रोनाइज्ड होती है कि आप आजकल तो ये हमारा तो क्राउड बिल्कुल आपको लगेगा बच्चे बैठे हैं, वो एक बंदा खड़ा होगा करके आवाज़ निकालेगा, सब गिरना शुरू हो जाएंगे, एक आवाज़ नहीं आती अपना, वो पब्लिक स्पीकर ही हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो माइंड गेम्स है, माइंड गेम्स खेलते हैं वो अपना, उनके अगर वो आप करें ना ये क्या कर रहे हैं, तो ऑफिसर पीछे मुड़ के देखें सभी बैठे होते हैं, आप उस उन चीज़ों से निकल के आए हैं आप, वेरी नाइस, सही है। तो वो आप पेशावर चले जाएं या आप कराची की किसी ऐसे कॉलेज चले जाएं जहाँ लौंडे ही लौंडे भरे हैं, तो वो आसरा करने नहीं बैठे आपका, बिल्कुल उनको अगर आप हंसा रहे हैं ना तो फिर वो गेम है असली। अब वो वहाँ से मैं निकल के आया हूँ, अब ये आई हुई पेड ऑडियंस जो पैसे दे के हंसने आई हुई है, बिल्कुल, तो मैं मेक श्योर, मतलब पैसे दे के हंसने आई हुई है तो भाई ये तो बिल्कुल ही आम सी ऑडियंस हो गई, तो हंसने ही बैठे हैं, तो हम वो काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो ये आसान लगता है मुझे अब।
इसलिए मैं इंटरेक्शन तुमने देखा होगा, मैं ऑडियंस इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक है, दैट्स इनक्रेडिबल यार, आपका जो ये एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपीरियंस रहा है जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है, ऐसा कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं है, और ये कैसे कर लेते, ये एक्सपीरियंस ही है और इसमें कोई बिल्कुल, लेकिन मैं यही इसीलिए मैंने इस पर एक तो बात की, आपने एक तो लाइट भी शेड की, दूसरा आई वॉन्ट पीपल टू नो के आप अचानक से नहीं आ रहे, देयर इज अ ह्यूज मतलब यू पेड योर ड्यूज, आपने बहुत मेहनत की है, आपने स्ट्रगल इतनी नहीं की, क्योंकि एक तो लोग इसको स्ट्रगल ले जाते हैं, अगर आप ओवरनाइट स्टार नहीं बने हैं, आपने मेहनत की, इसका मतलब ये नहीं आप स्ट्रगल किए, हम मरे हुए थे और पैसे भी नहीं थे, वो तो सभी की जिंदगी हमारी ऐसी बनती है, एक बार बसों में ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी जाते थे सभी, वो तो वो कोई स्ट्रगल नहीं होती, मैंने इस काम के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाके किए हों या पैसे ना हो, चप्पल पहन के जा रहा हूँ, वो तो नहीं किए, किया बस काम, स्किल पे वर्क किया उस पर भी। ज़बरदस्त, ठीक है, थोड़ा आइडिया दें इस पे, पीएफ रिसालपुर की आपने बात की, एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि जिस टाइप ऑफ चीफ गेस्ट वहाँ मौजूद होते हैं, जिस लेवल के एयर चीफ मुशर्रफ भी, मुशर्रफ मौजूद थे, वो वाला अगर बोला था, तो स्टूडेंट कन्वेंशन होती थी एक ज़माने में, क्या दौर थे यार, था तो डिक्टेटरशिप, मगर उस डिक्टेटर में हिम्मत थी कि वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बुलाए और वो जो चाहें बोल दें उसको, और बोलते भी थे लोग, आपने वो देखी होगी एक वीडियो थी पीटीवी पे, टोटा आता है अदनान काका खेल का, एक मौलाना साहब है जो मुशर्रफ को कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं, वो बैठा हुआ सुन भी रहा है, अच्छा अच्छा, बड़े मशहूर क्लिप है, पता नहीं किसने देखा, उन्हें देखा, तो वो इतनी हिम्मत थी उसमें कि वो बोल सके, और इतनी फराखदली थी मुशर्रफ में कि उसको बोलने भी दे, अब तो कोई नहीं ऐसा कर रहा, तो हम उसका एक प्रोसेस था वहाँ जाने के लिए, उस स्टूडेंट कन्वेंशन में पहले आपकी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता था, उसमें आपको फर्स्ट आना है, ठीक है, फिर कराची में होता था उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, फिर सिंध में होता था उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, फिर आप जाते थे इस्लामाबाद, ठीक है, एंड ओनली 5 पीपल यूज टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मुशर्रफ, आज़ाद कश्मीर से एक और बाकी 4 प्रोविंसेस, ठीक है, और बाकी 300 लोग जो थे ना वो 3 दिन की होती थी, बाकी लोग जो है ना वो बाकी दिनों में बोलते थे, हर सूबे से 20 लोग जाते थे, ओके, और लीड स्पीकर जो था ना मुशर्रफ के सामने बोलता था, ओके, तो मैं लीड स्पीकर था, ठीक है, तो मैंने उस दिन तकरीर नहीं की, क्यों नहीं की, एक तो सब सूट पहन के गए थे, सूट ही था ड्रेस कोड, मैंने वो पार्ट पढ़ा नहीं, मेरा था पाकिस्तान के ऊपर बात करने का, मैं नेशनल ड्रेस पहन के गया, मैं को सफ़ेद कुर्ता सलवार पहन के गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा आपका सूट का है, मैंने कहा भाई मैं तो पहना हुआ नेशनल ड्रेस, आप इसको कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, बुराई करना चाहते हो उसकी, तो मैं इसका जवाब वहाँ दे दूंगा, मैं जाओ यार ये पागल इसको जाने दो, खैर वहाँ पहुँचे सब चीज़ें निकाल ली भाई, अच्छा हुआ मैं कुर्ता सलवार पहन के गया था, लोगों से उनके टाइप पेन वैन ये सब चीज़ें ले ली, सिक्योरिटी का मसला था, खैर बारी आई तो आते ही ना जल साहब आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम था, मुल्क का प्रेसिडेंट है, फौज का चीफ भी है, वो बड़ी पर्सनैलिटी, तो उन्होंने आते ही मुशाहिद हुसैन साहब वो थे मॉडरेटर, उन्होंने कहा जनरल साहब के पास ही हैज़ ओनली 40 मिनट्स, तो रैप इट अप क्विकली, ठीक है, तो अब पहले पंजाब की बारी आई हमेशा की तरह, वो आई उनकी बारी, तो मैं तो सिंध का सर था, तो आई मेरे पास बारी, 101 नंबर था मेरी डेस्क का, मुझे याद है, उन्होंने कहा 101 ताबिश हाशमी, मैंने बटन ऑन किया, मैंने कहा जनरल साहब, उससे एक दिन पहले ना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गए थे पिंडी, मैंने जनरल साहब यू वर देयर एट पिंडी स्टेडियम यस्टरडे वॉचिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, यू वॉच द इंटायर इनिंग्स, यू स्पेंड 4 hours ओवर देयर, यू हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप देखें क्रिकेट आपको शौक होगा, मगर इफ़ यू हैव 4 hours फॉर अ क्रिकेट मैच यू शुड एटलीस्ट हैव मोर देन 40 मिनट्स फॉर द यूथ ऑफ योर कंट्री, बिल्कुल ये सवाया में आपसे बैठ लेंगे, हम तो गज़ल पढ़ने आए थे, वो कह रहे हैं रैप पढ़ दो, तो तालियां तालियां, तो पता नहीं लड़कों में आ रहा है ले ली ले ली बिलाजी में ले ही कहाँ भाई, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, लड़कों ने चला ले ली ले ली ले ली ले ली, इस तरह शोर शुरू हो गया वहाँ पर, जनरल साहब ने कहा भाई मुशाहिद लेट देम नो कि आई एम हेयर फॉर लॉन्गर आवर्स, बोलो जितना बोलने, जबरदस्त, मैं सर मैं तो अपना काम कर चुका बाकियों को, तो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट थी यार। अच्छा मुझे ये ख्याल होता है जब मैं जब क्राउड में बैठा हूँ ना, माइक मेरे पास है, तो मेरा क्या उखाड़ सकते हैं, क्या उखाड़ सकते हैं, तो और मुझे डर भी नहीं था कि मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा, मैं लॉजिकल बात कर रहा था, बिल्कुल, तो एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस यार, उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, और बैठा भाई वो बंदा, तो ऐसे लीडर भी नहीं, अब ऐसे लोग भी नहीं है, उन उस लीडर की भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, और बाकी अब जो लीडर उनके सामने बोल नहीं सकते इस तरह की बात, क्रेजी अमेजिंग इंसिडेंट। 4 types ऑफ डिबेट हैं अभी, थोड़ा हम इस पर बात की, इंग्लिश उर्दू और ह्यूमरस, और ये डिक्लेमेशन की हैं, अगर रेफर्ड वाला क्या आपका, इंग्लिश सीरियस, इंग्लिश सीरियस,
और ये लगता नहीं है। हाँ नहीं लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। मैं भी थोड़ा पहली दफा जब एक्सपीरियंस तुमने सुनाया था ना, टोटे सुनाए मैंने। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा और पीछे जाते हैं फिर अब आगे हम अब्बू का रिश्ता कराते हैं, चलो उसके बाद नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं ये इसलिए बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ मेन फेस, और फील फ्री टू शट मी डाउन अगर आप इसके बारे में बात ना करना चाहें। आपने मुझे अभी भी थोड़ा जिक्र किया, पहले भी बता चुके हैं, एज अ चाइल्ड आपको थोड़ा स्टटरिंग का, हाँ मतलब स्टटरिंग ऐसा था कि मैं ना अभी भी कभी ऐसा होता है, कभी स्ट्रेस में होना तो मैं भगव हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन नखले उतारते हुए कभी नहीं होता था मैं। सही, मैं मिमिक्री हर किसी का एक वो होता है कि वो गाना गाते हुए स्टैमर करता, अभी थका हुआ तो स्टैमरिंग शुरू कर देता हूँ, तो वो करता था मैं। लेकिन दैट उसके ऊपर फिर ऐसा है कि मैं ना ये कोई ऐसी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है फिर। ठीक है, वो मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि यार मैं अपनी ज़िंदगी को इंस्पिरेशनल स्टोरी बना लूँ, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रगल था ही नहीं ना। अकबर खुदा की कसम, मैं उसके दूसरे एस्पेक्ट पर आना चाह रहा था कि स्टटरिंग या स्टैमरिंग अक्सर एक प्रॉपर इलाज मौजूद है इसका। हाँ, तो आपने ये स्पीच थेरेपी वगैरह, ये रेकी शेकी होती है और प्रॉपर बुलियंग का बायस बना इन द स्कूल या नहीं बना? ऑफकोर्स यार, आप अकेले हैं ना, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। सही, आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट, आपने एक्सेप्ट कर लिया था। आड़ में मजाक उड़ाओ यार, हंसती रहे ना सब, मेरा कुछ नहीं जा रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं, रोया नहीं, वहाँ गया आगे हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये भी है, इफ यू वेयर योर वीकनेस ऑन योर, यही तो जीत का सबक है भाई। देखो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके खिलाफ, अगर आप रो रहे हो ना, चिढ़ रहे हो, तभी वो और लेंगे आपकी। अगर आप कह रहे हो हाँ भाई मैं तो हूँ, तो बस खलास। अक्सर जोक तो मैं देता था उनको, सही हाँ, तो वो मुझे कभी इसका वो नहीं रहा यार कि मैं मेरी कोई वीकनेस, क्योंकि ना मुझे पता था कि मैं मिमिक्री जब भाई होता ये था कि स्कूल में, अच्छा क्यों नहीं असर हुआ, स्कूल में जब ऐसा होता था, बहुत लॉन्ग एक्सटेंडेड आवर्स का स्कूल था, अभी पब्लिक स्कूल, सुबह से शाम तक का, तो आखिरी पीरियड में ना सब खत्म हो चुके होते थे, तो अक्सर टीचर से कहते सर मैडम आज पढ़ाया नहीं, ताबिश 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 को बुलाना, ताबिश को। अच्छा, हैवी तो टीचर भी कहते हैं अच्छा आ जाओ भाई आओ, तो अब वो वहाँ से मैं नकलें उतार रहा था पूरे स्कूल की, ये टीचर ये वो, टीचर भी फरमाइशें करते थे अच्छा थोड़ा, तो उस नखलों में ही ना मैं, जिस जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया होता था ना दिन में, मैं उसकी बजाता था। You used to get your revenge. जब मैं बजाता था ना, तो अब 42 लड़के बैठ के सुन रहे हैं और ताली नहीं बजा रहे हैं, आप आड़ती ले ली, तो मुझे कोई असर ही नहीं हुआ कभी उस चीज़ का, ये मेरे पास था मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। वेरी नाइस, हाँ ठीक है। स्पीकिंग ऑफ बुलिंग एंड प्ले ग्राउंड एंटिक्स, थोड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन पे आते हैं। अक्सर स्कूल में मुझे याद है कि पैंट फटना एक बड़ा मसला था, ठीक है, और वही वो बहुत अच्छा वाक्य देता हूँ। और एक दफ़ा तो मैंने ये भी देखा कि मैं साइंस फेयर था, टेबल पे इसी टेबल पे सेटअप लगा है, कुछ नीचे टेबल लावा बना ना, लावा मसाला डाल के लावा बनता था ना, इनो या पता नहीं किसका, मैं नीचे गया, मास्किंग टेप नीचे गई, मैं नीचे, तो यहाँ जो बंदा बैठा था वो यूं बैठा है, पैंट फटी हुई, चड्डी नहीं पहनी हुई, तो दिख गया, सब दिख गया। तो ये ऐसा हुआ है कुछ इस तरह अंडरवेयर के अराउंड एम्बैरेसिंग इंसिडेंट? यार अंडरवेयर की मुझे बहुत बार जो है ना वो महसूस हुई इम्पोर्टेंस। एक तो टेक्निकल मसले भी हैं अंडरवेयर के, अंडरवेयर आपको जैसे पसीना रोकने के लिए आपको बनियान पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं ना, कि यार निशान ना पड़े, नजर आए ना, नज़र आ रहे निशान, एक तो वो पहनी जाती है। अंडरवेयर इसलिए पहनी जाती है हमारी अक्सर नीचे के, यार लोग धोते भी नहीं है, अब पैंट ख़राब हो रही है आपकी, जीन्स तो आपने 10-12 बार पहननी है ना यार, अंडरवेयर तो आप रोज़ भी बदल सकते हो, वहाँ भी पसीने आ रहे हैं, वो भी रोक रहे, खुजली कर रहे हो और जगह, एक तो ये इंपॉर्टेंस तो वैसे ही अंडरवेयर की। लेकिन स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में बड़ी इंपॉर्टेंस अंडरवेयर की थी, छठी क्लास तक तो इलास्टिक की पैंट पहनते थे हम, तो लड़के आके बजा के चले जाते थे यार, एक शेप आता है ना यार, इलास्टिक की पैंट का अलग शेप, आप कभी नोट करो, कोई खींच के दे देगा या वो इसमें वो लगते हैं वो वाले के, उसमें मारने का दिल चाहता है बिल्कुल, तो ऑल बॉयज स्कूल था भाई, तो इलास्टिक की पैंट उस पर वो ला गया, पच करके आवाज़ भी आई, बहुत ज़ोर की बजती थी। सही, और शुरू में ना अंडरवेयर पहनाती भी नहीं थी वालदाएँ, हाँ बस जा रहे, हमारे ज़माने में इतना अंडरवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था यार। सही, और इलास्टिक की पैंट के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल, तो फिर जब वो पच करके बहुत बजने लगे ना, तो फिर एक तो इलास्टिक की पैंट ख़त्म की, हाँ, और फिर अंडरवेयर चढ़ाई की यार, एक लेयर हो अंदर, क्योंकि स्कूल में केनिंग वगैरह भी हो रही है, ये भी हो रही है, फिर स्पोर्ट्स में भी था मैं, तो ये था कि कभी भी स्पोर्ट्स खेलना है, चेंज करना है, तो पैंट उतारना एक मसला था, उसके लिए कवर में जाओ तो एक अंडरवेयर हो तो पर्दा रहता था, पर्दा रहता, ठीक है। लेकिन स्कूल में हमारे, बाय द वे अभी पब्लिक के बाद लड़के देख रहे होंगे, हाफ डे का एक कॉन्सेप्ट था हमारी, फुल डे स्कूल था ना एक, तो हाफ डे प्राइमरी की छुट्टी होती थी, तो हमें ना मैंने तरकीब निकाली थी, अगर पैंट फट जाए ना
तो क्लास में जाके बोलो सर सब लड़के बुली कर रहे हैं, पैंट फटी हुई है, हाथ वाथ मार रहे हैं, तो हाफ डे दे दिया करते थे। तो बहुत बार मैंने खुद पैंट फाड़ी है। अच्छा अच्छा, अगर फाड़नी है पैंट तो ये जो फ्लाई होती है ना इसके यहाँ पर कंपास डाल के थोड़ा दो तीन बार मारो और फट जाती है कपड़े। ये तो जीन्स तो नहीं फटेगी, वो फट जाती थी कॉटन की। ये अच्छा हैक बताया आपने, ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ फर्रे भी रखे जा सकते हैं, बाय द वे फर्रे यहाँ रखा करो, यहाँ नहीं फंसते यहाँ नहीं पकड़े जाते, मैं रखे नहीं कभी। अगर आपने ये कर दिया, वैसे आप जनरली एंडोर्स करेंगे तमाम मर्दों के लिए कि आप पहना करें, जरूरी है, ये आइटम पहना जरूरी है, जरूरी जरूरी है। तो ये हमारा शेप उड़ जाती है ना पैंट की, ये है आइटम। अगर आपको पहन के दिखानी है, ये पहन के दिखानी है। अबे पहन के, अभी तो पहना हुआ हूँ यार। ये मेंडीज का बॉक्स है, इसमें ताहिल भाई ये है, क्लियर कर दूं, ये है आपके लिए। अरे नाइस है, अरे साइज भी सही लिखा हुआ है, साइज भी ये देख के बताते हैं। ये एम मेल का है या मीडियम का है? ये दोनों का है। अजरक अजरक डिजाइन की यार, नाइस। ये भी है इसमें, आई थिंक ये ब्रीफ्स कहते हैं बॉक्स। हाँ, इनको, हाँ, इनको ब्रीफ्स। ये जो है ये मोजे हैं, जराबे, वेरी गुड। और मैं मोजों का बड़ा शौकीन हूँ, अक्सर टीवीएस में लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अभी जाके मोजे बड़े अच्छे थे, वेरी नाइस यार। मोजे में मैं, मुझे लगता है कि जो कटे हुए मोजे ना, ये छोटे मोजे, हाँ, इसमें बंदा फौरन अमीर लगने लगता है, आपका क्या ख्याल है? अगर देखो ना आजकल टांग नजर आ रही है ना, मोजा नजर नहीं आ रहा, हाँ, तो आप अमीर हो, अमीर हो, तो ये है ना थोड़ा सा नो शो कहते हैं, नो शो सॉक्स, नो शो सॉक्स, नो शो सॉक्स, ठीक है। फिर ये अंडर शर्ट भी है, कैमरी क्या कहते हैं इसको, टैंक टॉप, मेरा टैंक टॉप कह लें आप इसे, अच्छी है यार ये तो। ये भी है काली अंडर शर्ट, कहीं भी आप चला ली, कहाँ भी, ठीक है, वैसे भी चला ली, तंदूर खोल लिया अगर उसमें जरूरत पड़ती है ऐसी तंदूर चला रहे हैं तो पजामा भी चाहिए, बेहतरीन। अच्छा नाइट सूट का पजामा है, हाँ नाइट सूट का पजामा है, हाँ मैं तो मतलब ऑल एक्सेस पजामा भी चाहिए। शादी के दिन याद आ गया एक बार, ये देखिए ये किटिंग आती है ना शादी में, किट आती है ना ऐसी अंडरवेयर नाइट सूट की, ससुर से मिलती है। ये क्या आइटम है, ये मेरे ख्याल से ये भी पजामा है, टाइट्स हैं, ये टाइट्स हैं, ये विंटर वाला योगा पैंट्स। हाँ यार जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ मुझे यही चाहिए, बेहतरीन हो गया अकबर। ये तो ये सब आपका है, अरे वाह, ठीक है, वाह थैंक यू, वाह यार आई होप, थैंक यू मेंडीज। तो खैर अच्छे फूल बने हुए हैं यार इस पे, तो और कंफर्टेबल भी है ये मैं आपको बता, लुक कंफर्टेबल। तो ये हो गया भाई, डब्बा पैक कर देते हैं फिर से, आप ले जाइएगा। पहली बार मैं अंडरवेयर इतना चेसिंग में, घर वाले बोलेंगे लैपटॉप मिला मेरे को, खोल के दिखाऊंगा लैपटॉप मिले, है कूल है बड़ा, बहुत पैकेजिंग बड़ी कूल है। खैर दाविज भाई, हमने कॉमेडी पे काफ़ी बात की, इसके अराउंड एक और एस्पेक्ट ये भी है जो मुझे कम्प्लीटली ब्लोज माई माइंड मेरे लिए एंड प्रीटी मच एवरीबडी आई नो उनके लिए था कि जी जॉब तब तक की जब तक कॉमेडी वाला धंधा स्टेबल ना हो जाए और फिर जॉब छोड़ के कॉमेडी फुल टाइम। आपके लिए कम्प्लीट ऑपोजिट है, आपके लिए कॉमेडी इज व्हाट जॉब इज टू मी, आप जॉब अपनी इतनी इंजॉय करते हैं, हाँ। आपने मुझे ये भी बताया, हाँ। तो ये कैसे पॉसिबल है, मुझे थोड़ा समझाए यार। मैं देखो जॉब को ना, एक तो मैं अब इट्स बीन 12 इयर्स नाउ, नीचे से स्टार्ट किया था, नीचे से था नहीं, मैं अच्छी पोजीशन से ही स्टार्ट किया था क्योंकि पढ़े लिखे थे तो अच्छी नौकरी पहले ही मिल गई थी। उसके बाद ना जो फील्ड सप्लाई चेन की फील्ड है मेरी, ये बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें ना आप कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं और वो फिर फिक्स होती है, आपको नज़र आती होती थी, सही टेंजिबल रिजल्ट, टेंजिबल रिजल्ट होता है सही। यार कि जैसे मैंने कोई, मेरी कंपनी नई लाइन बिछा रही है, मैंने मशीन मंगवानी है, तो मशीन पहले मैं देखी, मैंने अच्छा ये मशीन है, फिर निगोशिएट किया वेंडर से भाई इतने लाख डॉलर कम करो इसके ऊपर, फिर वो, फिर मैंने शिपिंग लाइन से बात की, वो मंगवाई, अब वो पता चल रहा है कि 30 दिन में आएगी, वो 30 दिन में पोर्ट पर लैंड कर रही है फिजिकली, फिर मैं उसको मंगवा रहा हूँ, प्लांट उतर रही है, इंस्टॉल हो रही है, फिर उसमें चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं, फिर वो जा रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, तो मुझे सब नज़र आ रहा है। और मेरा एक डिसीजन पिवोटल रोल बहुत सारी जगहों पे था मेरा, क्या मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इससे ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, फिर लेटर इन द करियर, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा यार, डिफरेंट मॉडल्स पर काम करना, एनालिसिस करना, नंबर्स से खेलना, आई एम वेरी गुड विद नंबर्स, तो वो मुझे अच्छा लगता है वो काम। अब ऐसा ये कहना कि यार आपको मज़ा ज़्यादा किस में आता है, कॉमेडी में या इसमें, तो अब मुझे अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया, ये फिगर आउट नहीं किया, मगर ये मुझे पता है कि जिस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा ना उस दिन कॉमेडी में इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी, शायद हल्की हो जाए। अच्छा आपको लगता है दोनों लिंक्ड है? अभी मेरा तुम देखते हो ना थोड़ा सा एक स्वैग सा आ जाता है स्टेज पर जाके, सही है ना, मैं वो एक लुक लेके जाता हूँ कि यार ये हर कॉमेडियन को करना चाहिए, आप जब स्टेज पे जाए ना तो आपके पास, आपके हाथ में है बंदूक, माइक तो आप पकड़े हुए हो, उनके पास तो नहीं, वो कलेक्टिव शोर कर सकते हैं मगर एक इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है ऑडियंस में, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब जाए ना तो आपने दिमाग में थोड़ा गुरूर रखना है, आप एलिवेटेड जगह पे भी खड़े हैं, सही ठीक है, सब आपको देख रहे हैं, आपका गुरूर अभी बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है, आप दिमाग में डालें कि यार अगर ये मुझसे हल्के हैं, क्योंकि अगर ये मुझसे भारी होते तो ये यहाँ होते मैं वहाँ होता,
सही है ना, सब बहुत बड़ा फेयर है स्टेज पे चढ़ने का, दुनिया का दूसरा दूसरा बड़ा फेयर है। अकबर मौत के बाद सबसे ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से करते हैं। अच्छा, तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कोई भी फॉर्म हो, स्टैंड अप हो, पब्लिक स्पीकिंग है। इवन सिंगिंग भी पब्लिक स्पीकिंग है ना, जब आप जा पब्लिक में गाएंगे तो वो एक फेयर है। अब आप खड़े में उसको कॉन्कर कर चुके हैं, आप दुनिया के दूसरे बड़े फेयर को कॉन्कर किया हुआ है, तो आपका भ्रम बनते हैं। बिल्कुल, आप उसी एटीट्यूड के साथ खड़े हों, जब वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, फिर आपको मज़ा आने लगेगा उसमें भी। लेकिन ये हवाई रोज़ ही है। और एटीट्यूड मुझे इस बात का भी है कि यार मैं बॉम्ब हो गया, फेल हो गया, ये शो मेरा मुझसे ले लिया गया, मुझे बैन कर दिया गया, तो मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसके अराउंड बहुत फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो मेरा एक लाइफ का स्टैंडर्ड जो मैंने मेंटेन कर लिया है, जिस जो कहता हूँ यार ये बेयर मिनिमम होना चाहिए, सही, मेरे भी बच्चे अच्छे रहें, मैं अच्छे जो बाहर खाना खा सकूँ, वो मेरी नौकरी से मैंने इस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, वो मैं किसी दिन भी बना सकता हूँ वो स्टैंडर्ड, तो उससे ऊपर जा सकता है कॉमेडी की वजह से, मगर उससे नीचे नहीं आएगा नौकरी की वजह से। तो ये कम्फर्ट जोन है ना मेरे पास, तो उसकी वजह से मेरी कॉमेडी जो है ना वो सही रहती है। बट इसका फ्लिप साइड भी है कि आपने कंफर्ट जोन की बात की, जब इंसान कंफर्टेबल होता है दे आर फोर्स टू नॉट इनोवेट। आपको ये नहीं लगता कि अगर आपके पास ये सेफ्टी ना हो आपकी कॉमेडी शायद बेहतर हो जाए, बिकॉज देर इज नथिंग एल्स टू फॉल बैक ऑन। यार एक तो पहली बात ये कि जब आप फॉल बैक ऑन, नेचुरली बन गया मेरा फॉल बैक ऑप्शन नौकरी, सही, कॉमेडी तो लेटर ऑन बनी ना इसका प्रोफेशन। ये उस वक्त होता है जो तुम कह रहे हो, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करने लगे और बैकअप पहले से डिसाइड करना शुरू कर दें, प्लान यार ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, उस वक्त आप ट्रैप में फंस जाते हैं। सही, मेरा नेचुरली बन गया, मैं नौकरी कर ही रहा था, फनी तो था मैं अपनी रियल लाइफ में, लोग बताते थे मुझे क्या तू तो बहुत फनी है, तो एक नेचुरल ट्रांजिशन आ गई कॉमेडी में। अब फुल टाइम भी बन सकती है ये आगे चल के, हो सकता है इतना काम अभी मिल ही रहा है, अकबर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फैमिली कह रही है मेरी छोड़ो भाई क्या फंसे हुए उसमें। लेकिन मसला ये है कि मैं वो जो रिस्क लेना है ना वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है। बिल्कुल, मेरे साथ तीन पेट और चार पेट और है, मेरी अम्मी साथ रहती हैं, मेरी बीवी है, दो बच्चे हैं। बिल्कुल, तो मैं कैसे डिसीजन ले लूँ अकेला। ये है बिल्कुल, फैमिली पे थोड़ी बात करते हैं। कुछ साल पहले आप फैमिली समेत कैनेडा मूव हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग हो रहे हैं आजकल, आप काफ़ी एडवोकेट भी हैं कि कैनेडा बेहतरीन जगह है, तो अगर आपने एक 60 सेकंड एलिवेटर पिच देनी हो कि जी कैनेडा क्यों मूव हो, क्या होगी 60 सेकंड की एलिवेटर पिच मेरी ये है कि भाई अगर आपको अपने आप अपनी इज्जत करते हैं और आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी आपकी इज्जत करें और आपको इंसान समझ जाए, इंसानियत की वैल्यू है आपके दिमाग में, तो आप वहाँ जाएँ कैनेडा जाके एक्सपीरियंस करें कि एक आम आदमी को इंसान कैसे समझा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कहते हैं हमारा कल्चर है, हमारे रूट्स हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई कल्चर नहीं है। किसी से पूछें कल्चर क्या है तो कोई डेफिनेशन नहीं है कल्चर की, कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पेशली कराची का तो एक तो पोर्ट सिटीज़ के होते भी कल्चर ऐसी हैं, ठीक है, होमोजेनस कल्चर्स होते हैं, सब आके यहाँ बैठे होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक कल्चर है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि आप, मैं टैक्स पे करता था, फाइलर हूँ, अभी भी हूँ, और यार तनख्वाह का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जितनी ज़्यादा तनख्वाह होती है उतना टैक्स चला जाता है। ना मेडिकल फैसिलिटी थी, ना रोड सही थी, ना सेफ्टी ठीक थी। जाहिर बात है गरीब मुल्कों में अमीर टैक्स इसलिए पे करता है कि गरीबों का काम हो जाए, मगर वो भी तो नहीं होता ना। गरीब कौन सा सही रह रहा था मेरे पैसों से, इस सुकून में रहता है कि चलो मैं पैसे देता हूँ तो मेरा ड्राइवर को इलाज फ्री मिलता है, वो भी सुकून नहीं था। ठीक है, तो वो जॉन एफ जे एफ कैनेडी ने कहा था ना, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री, दैट वाज बुलशिट। अमेरिका में कहा जा सकता है ये, पाकिस्तान में मैं तो बता दूंगा चार चीज़ें मैंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान बताए मेरे लिए क्या किया। अब जो ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ने आपको नाम दिया, पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, भाई एक डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है। मेरा रिस्क यहाँ लिखा था इसलिए यहाँ से मिला, मैं कनाडा चला गया वहाँ पे भी खाना मिल रहा है मुझे, तो नौकरी मिल रही, तो मैं वहाँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारी पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन बहुत डिस्टॉर्टेड है। किसी से पूछो ना यार आप पेट्रियाटिक हो क्या, मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ। पूछो कैसे, यार मैं कचरा नहीं फेंकता। अभी भाई तो इंसान होने की वो है ना कंडीशन, मैं ट्रैफिक पे सिग्नल पे रोकता हूँ। अरे भाई ये तो क्या इंडिया जाके सिग्नल तोड़ दोगे क्या, या अमेरिका जाके सिग्नल तो वहाँ पे भी रुकोगे तो क्या वहाँ पेट्रियाटिक इंडियन बन जाओगे? नहीं बनोगे ना, ये नहीं है डेफिनेशन। पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन यही है कि अपने मुल्क की गलतियों को उभारो, बताओ ये है और सही करो। यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पे फंस जाते हैं, जैसी गलती बताए गद्दार हो जाते हैं, तो बताते ही नहीं है तो सही भी नहीं होगी। तो जब ये नहीं हो सकता तो मैं चला गया बाहर। दूसरा ये इनकलाब जो है ना वो अपने लिए ला सकते आप, लोग कहते हैं यहाँ रहते ठीक करते, इनकलाब आता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने लिए नहीं लाते, क्योंकि अगर अपने लिए ला रहे हो उसका मतलब है मरने से डर रहे हो। जिंदा रहोगे तभी तो देखोगे इनकलाब, और इनकलाब में ज़्यादातर जो है ना मरना पड़ जाता है। बिल्कुल,
हिस्टोरिकली देखूंगा ना, तो ये नहीं है कि रूल है, मगर हिस्टोरिकली यही होता आ रहा है। तो अब मैं अगर, मुझे तो ये शौक ही नहीं है, मुझे तो अपने लिए चेंज करना है भाई, मेरी जिंदगी बाकी है, मैं नाशुक्री क्यों करूं कि यार बस अब बच्चों के लिए जिंदा रहना है, नहीं मुझे अपने लिए भी रहना है, भाई मेरी बीवी को भी रहना है। और ये सेल्फिश बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं, नहीं अल्लाह की दी हुई जिंदगी को गुजारना चाहते हैं अच्छी तरीके से भाई। तो अब मैं यहाँ इंकलाब नहीं लाना चाह रहा था ना, और कौम भी नहीं लाना चाह रही, इंकलाब चाहिए भी नहीं।